स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम विज्ञान का पाठ 3, कक्षा 6 का विज्ञान है, उसका पाठ 3 पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी, आप अपनी बुक निकाल के सामने रखिए और समझते जाइए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। मतलब पदार्थ जो होते हैं ना, उनको अलग अलग कैसे करते हैं, पृथक्करण मतलब अलग अलग करना, उसके बारे में पढ़ना है अपन को। तो हम अपने दैनिक जीवन में वायु, दूध, फल, अनाज आदि विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिसमें से अधिक पदार्थ होते हैं, जिसमें एक से अधिक पदार्थ होते हैं। वायु विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का मिश्रण है। हम इसी रूप में इन पदार्थों का उपयोग करते हैं, परंतु कुछ वस्तुओं का उपयोग करने से पूर्व उनके अवयवों को पृथक करना पड़ता है। कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जिनको अपन प्रयोग में लाने से पहले अलग अलग करना पड़ता है, जैसे अनाज को भूसे से तथा कीचड़ को अस्वच्छ जल से पृथक करना पड़ता है। पृथक माने अलग करना पड़ता है, पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसके मुख्य कुछ निश्चित अभिलक्षणिक गुण होते हैं। समस्त तत्व तथा यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चीनी, नमक, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। शुद्ध पदार्थ की अपनी कुछ जातिगत विशेषताएँ होती हैं। ये विशेषताएँ अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती हैं, जैसे चीनी के गुण लवण के गुणों से अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। प्रत्येक शुद्ध पदार्थ तो के गुण एक समान होते हैं, के गलनांक तथा कत्वनांक नियत होते हैं, का घनत्व नियत होता है। दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो परस्पर कोई क्रिया नहीं करते को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, क्योंकि मिश्रण से विभिन्न अवयव होते हैं, मिश्रण में विभिन्न अवयव होते हैं। अतः मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला हुआ, उसको बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थ अनेक अपने अपने गुणों को नहीं खोते, जैसे शरबत, चीनी और जल का मिश्रण। परंतु शरबत में चीनी की मिठास और जल की तरलता बनी रहती है। मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि वे कितने अच्छी प्रकार से मिले हुए हैं, अर्थात वे समांगी हैं अथवा विषमांगी। तो समांगी में ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों को नंगी आँखों अथवा लेंस से देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी का विलेय, सोडा पानी, वायु, स्टेनलेस स्टील आदि। समांगी मिश्रण ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो वे एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं, जबकि वास्तव में उनमें अनेक पदार्थ मिले होते हैं। मिश्रण ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये मिश्रण दिए हैं, कुछ उनकी अवस्थाएं दी हैं और अवयव दिए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण, तो ऐसे मिश्रण को जिनके अवयवों को नंगी आँखों अथवा आवर्धक लेंस के द्वारा सरलता से देखा जा सके, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यह कम से कम मिश्रित किया हुआ मिश्रण होते हैं। मतलब इसमें कम मिश्रण होता है, थोड़ा थोड़ा ही मिला होता है। मिश्रण का निर्माण करने वाले कण पर्याप्त बड़े या स्पष्ट दिखाई देते हैं इसी कारण इन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है तथा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। गेहूं तथा जौ का मिश्रण, गेहूं में से जौ निकाल लेते हैं अपन, वो मिश्रण होता है ना, जैसे अपन बाजार से गेहूं लाते हैं तो उसमें जौ भी मिले होते हैं, मिट्टी कंकड़ भी मिले होते हैं। तो गेहूं तथा जौ का मिश्रण, विभिन्न आकार के बटनों का मिश्रण तथा विभिन्न प्रकार या आकार के सिक्कों का मिश्रण विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता, तो कुछ मिश्रणों के गुणों एवं उनके पृथककरण की विधियों का अध्ययन करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मिश्रण के अवयवों को अनेक कारणों से पृथक
करते हैं। इनमें से कुछ हैं शुद्ध पदार्थों की प्राप्ति हेतु, मतलब कुछ मिश्रणों में से अपन शुद्ध पदार्थ प्राप्त करें, इसको कैसे करते हैं। औषधि निर्माण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि औषधि के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ सभी प्रकार से की हानिकारक अशुद्धियों में से रहित होने चाहिए। प्रयोगशाला में रसायनों से सभी अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक है। उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति, हम समुद्री जल से सोडियम क्लोराइड प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उसका उपयोग साधारण नमक के रूप में किया जा सके। हमारा मूल उद्देश्य यह देखना नहीं है कि यह कुछ सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में फिर भी रह जाता है, बल्कि हमारा उद्देश्य समुद्री जल से अधिक सोडियम क्लोराइड प्राप्त करना होता है, जो नमक होता है ना समुद्री, उसको अवांछनीय अवयवों को अलग करने के लिए। हम नदी एवं नहर के जल से धूल के सूक्ष्म कण एवं कीटाणु जैसे अवांछित अवयवों को दूर करना चाहते हैं। हम जल को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। यदि अशुद्धियों को दूर करने में कुछ जल व्यर्थ जाता है तो उसकी कोई बात नहीं होती, कोई हानि नहीं है, क्योंकि हम जल को अशुद्धि रहित करना चाहते हैं। अशुद्ध जल जीवन के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक अवयवों को दूर करने हेतु हम चिमनी के धुएं से बिना जला कार्बन तथा राख के कणों जैसे हानिकारक अवयवों को दूर करना चाहते हैं। हम चिमनी से अशुद्ध गैस निष्कासित करना चाहते हैं, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। अगला है मिश्रण के अवयवों का अनुपात ज्ञात करने हेतु। कभी कभी मिश्रण में उपस्थित अवयवों का अनुपात ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी कारण भी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पृथक्करण की भौतिक विधियाँ। तो पृथक्करण का सिद्धांत यह है कि मिश्रण के विभिन्न अवयवों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अतः पृथक्करण हेतु चयनित विधि मिश्रण के प्रकार तथा उनके अवयवों के गुणों पर निर्भर करती है। जैसे लोहे के चूर्ण यानी छीलन तथा गंधक के चूर्ण से सिलिकन मिलकर बने मिश्रण में से लोहे की छीलन को मिश्रण के समीप एक शक्तिशाली चुंबक को घुमाकर गंधक के चूर्ण से पृथक किया जा सकता है। हमने इस विधि का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि चुंबक की ओर आकर्षित होना लोहे का एक भौतिक गुण होता है लोहे का चुंबक की ओर आकर्षित होना। मिश्रण के पृथक्करण की समस्त विधियां भौतिक गुणों पर आधारित होती हैं, इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं है। अब है ठोस का ठोसों से पृथक्करण, ठोस वस्तुओं का ठोस वस्तुओं से अलग करना, हाथ से बीनना। जब मिश्रण के अवयव विभिन्न रंग आकार एवं आकृति के होते हैं तब उन्हें हाथ से बीनकर अलग किया जाता है। प्रायः ग्रहणियाँ गेहूँ चावल एवं दालों में से अवांछनीय पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर आदि को बीनकर ही निकालते हैं ना, हाथ से बीनकर निकालते हैं ना। अपन गेहूँ छानते हैं, बीनते हैं, चावल को बीनते हैं, तो ये क्या अपन हाथ से बीन के निकाल लेते हैं। दूसरी विधि है ओसाना विधि। ओसाने की क्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण का एक अवयव इतना हल्का हो कि वह वायु द्वारा दूर उड़ाया जा सकता है। इस विधि का उपयोग कृषकों द्वारा मतलब किसानों के द्वारा अनाज को भूसे से अलग करने के लिए किया जाता है। किसान गेहूं तथा भूसे के मिश्रण को ऊपर से गिराते हैं, इस दौरान वायु भूसे को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। गेहूं के दाने भारी होने के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भूमि पर गिरते हैं, ठीक है ना। चुंबक द्वारा पृथक्करण, तीसरा है चुंबक द्वारा अलग करना। लोहा निकिल एवं कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय पदार्थों को एक चुंबक की सहायता से अचुंबकीय पदार्थों से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार वायु के ढेर से लोहे को की छीलन को चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है, क्योंकि लोहे की छीलन चुंबक से चिपक जाती है जबकि बालू नहीं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक है। छानना, अगला है छानना। जब मिश्रण के अवयव भिन्न भिन्न आकार के होते हैं तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे अनाज में से अवांछनीय पदार्थों को एक छलनी से छानकर अलग किया जाता है।
जब गेहूं के आटे को छाना जाता है तो छोटे कण छन्नी से गुजरते जाते हैं, जबकि बड़े कण छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं। अपन छानते हैं तो आपने देखा होगा आपके घरों में सभी लोग गेहूं चावल ये चीज़ें छानते हैं, दालें वगैरह। आटे को विभिन्न कार्यों के लिए छाना जाता है, जैसे दलिया आटा मैदा आदि के लिए। इसके लिए भिन्न भिन्न साइज के छिद्रों वाली छलनियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है धोकर। जल से हल्की अशुद्धियों को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है, यानी पृथक किया जाता है। जैसे दालों को जल में डुबोया जाता है, जिससे भूसा छिलका अथवा घुना हुआ थोथा अनाज पानी के ऊपर आ जाता है और दाल नीचे बैठ, जो अच्छी अच्छी रहती है वो नीचे बैठ जाती है और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो ऊपर को आ जाते हैं। ठीक है ना, अशुद्धि युक्त पानी की सतह को अलग कर दिया जाता है। ऊर्ध्वपातन अगला है, जो ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह पिघले बिना सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया का प्रयोग ऐसे ठोस यौगिकों को अपरिवर्तनशील ठोस से पृथक करने में किया जाता है, जो गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। पदार्थ की गैसीय अवस्था को ठंडा करके शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था को प्राप्त करने वाले कुछ सामान्य ठोसों के उदाहरण हैं अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन। किसी मिश्रण में से साधारण नमक तथा अमोनियम क्लोराइड को पृथक करने के लिए हम इस ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। द्रवों में अविलेय ठोसों को पृथक करना, अब द्रव में से अविलेय पदार्थ को अलग करने की विधियां। अवसादन या निथारना, भारी ठोसों के तलों में बैठ जाने की क्रिया को अवसादन कहते हैं, तथा तली में बैठे हुए ठोस पदार्थ में बिना कोई विक्षोभ उत्पन्न किए द्रव को की स्वच्छ सतह को अलग करने की क्रिया को निथारना कहते हैं। द्रव में अविलेय ठोसों को अवसादन तथा निथारन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे जल में से बालू तथा कीचड़ को इस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। कीचड़ युक्त जल को पहले कुछ समय स्थिर होने देते हैं। बालू तथा कीचड़ बर्तन की तली में बैठ जाते हैं, अवसाद को हिलाना नहीं चाहिए। जल की ऊपरी स्वच्छ सतह को सावधानीपूर्वक दूसरे बर्तन में उड़ेलने की क्रिया को निथारना कहते हैं। दो परस्पर अघुलनशील तत्व जैसे जल तथा तेल, इनमें एक द्रव दूसरे से भारी हो, को पृथक करने के लिए निथारने की विधि का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अच्छे परिणाम के लिए हम पृथककारी कीप तथा ब्यूरेट का प्रयोग करते हैं। मिश्रण को पृथककारी कीप में उड़ेल देते हैं, इसे कुछ समय तक स्थिर होने देते हैं। ऐसा करने पर अघुलनशील द्रवों की दो स्पष्ट तथा अलग अलग सतहें बन जाती हैं। कीप की स्टाप कॉक खोलकर निचली सतह वाले द्रव को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। निस्यंदन यानी छानना, निस्यंदन की प्रक्रिया का प्रयोग जब द्रव के अघुलनशील ठोसों को द्रव से अलग करने में किया जाता है, जिसमें एक निस्यंदन फिल्टर प्रयुक्त किया जाता है। रुई के टुकड़े, बालू, रेत की सतह, मलमल के वस्त्र का टुकड़ा तथा फिल्टर कागज को एक निस्यंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पानी की अधिक मात्रा को फिल्टर करने के लिए कुछ अन्य प्रकार के छिद्रयुक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उपयोग यानी प्रयोग, जिसमें कच्चा कोयला, कई कांच के ऐसे कांच के रेशे तथा खुरदरे चीनी मिट्टी के बर्तन मुख्य हैं। आजकल घरों में पीने के पानी को एक विशेष प्रकार की फिल्टर गद्दी के द्वारा फिल्टर किया जाता है, जो निलंबित अशुद्धियों तथा जीवाणुओं को सोख लेती है। अगला है तीसरा, भारण तथा स्कंदन। तो कभी कभी नदी
तथा नहर के जल में गंदगी के कण इतने सूक्ष्म एवं हल्के होते हैं कि वे आसानी से तली में नहीं बैठते। ऐसी दशा में रासायनिक पदार्थ जैसे फिटकरी को जल में मिला दिया जाता है। फिटकरी के घुले हुए कण मिट्टी के सूक्ष्म कणों पर जम कर उन्हें भारी कर देते हैं। इस प्रकार धूल मिट्टी के कण भारी होकर पैंदी में नीचे बैठ जाते हैं। बर्तन की पैंदी होती ना, उसमें बैठ जाते हैं और स्वच्छ जल को निथार कर पृथक किया जाता है। फिटकरी आदि विशेष प्रकार के रसायन मिलाकर ठोस कणों के नीचे बैठने के गुण में वृद्धि करने की क्रिया को भारण या स्कंदन कहते हैं। फिटकरी को स्कंदन करता कहते हैं। द्रवों से घुलनशील ठोसों का पृथक्करण, बाष्पीकरण। बाष्पन का प्रयोग द्रव के में विलेय अथवा घुलनशील ठोसों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे जल में विलेय साधारण नमक को इसी प्रकार पृथक किया जाता है। मिश्रण को एक बड़े समतल पात्र में भरकर धूप में रख दिया जाता है। जल धीरे धीरे बाष्पित हो जाता है तथा साधारण नमक पात्र में रह जाता है। मिश्रण को नमक गर्म करके बाष्पन की दर बढ़ाई जा सकती है। समुद्री जल तथा झील के खारे पानी से साधारण नमक बाष्पन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। समुद्र अथवा झील के जल को छिछले तलों यानी कम गहरे तल में भरा जाता है, जिससे जल सूर्य की गर्मी से बाष्पन होता है तथा नमक तले में ही रह जाता है। नेक्स्ट पेज पर क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया का उपयोग किसी विलयन में से विलेय ठोस पदार्थ के शुद्ध नमूने को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब किसी पदार्थ के गर्म संतृप्त विलयन को ठंडा किया जाता है तो वह शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं तथा अशुद्धियां विलयन में ही रह जाती हैं। इस क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। फिटकरी का एक बड़ा क्रिस्टल बनाने के लिए जल में बनाए गए फिटकरी के संतृप्त विलयन में फिटकरी के एक छोटे क्रिस्टल को धागे की सहायता से लटकाया जाता है। 2-3 दिन में फिटकरी का एक बड़ा क्रिस्टल तैयार हो जाता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के क्रिस्टल विभिन्न रंग तथा आकार के होते हैं। अपकेंद्रण। अगली विधि है अपकेंद्रण। द्रव में उपस्थित पदार्थ के निलंबन कणों को पृथक करने की विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। इस विधि में एक तीव्र गति से घूमने वाली मशीन जिसे अपकेंद्रक कहते हैं की सहायता से किसी द्रव ठोस मिश्रण को सूक्ष्म तथा अघुलनशील ठोस को पृथक किया जाता है। उपकेंद्रण की अत्यंत तीव्र गति के कारण ठोस कण मशीन की परिधि की ओर धकेल दिए जाते हैं तथा द्रव केंद्र में बना रहता है। इस प्रकार मिश्रण को पृथक कर लेते हैं। डेयरियों में दूध की से क्रीम अपकेंद्रण की प्रक्रिया द्वारा ही निकाली जाती है। आसवन। जल के शुद्धतम रूप आसूत जल को आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। चिकित्सक इंजेक्शन की दवाई घोलने के लिए आसूत जल का ही प्रयोग करते हैं। आसवन वह प्रक्रिया है जिसमें बाष्पन के उपरांत सघनन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस विधि का उपयोग द्रव को उसकी अघुलनशील अशुद्धियों से पृथक करने में किया जाता है। आसवन उपकरण के 3 भाग होते हैं। आसवन फ्लास्क, बाष्प को ठंडा करने के द्रव में परिणित करने वाला संघनित्र अर्थात कंडेंसर। तीसरा है संग्राहक अर्थात ग्राही। अभिलेय अशुद्धियों वाले अशुद्ध द्रव को आसवन फ्लास्क में भर लेते हैं। गर्म करने पर द्रव बाष्प में परिवर्तित होने लगता है जो ठंडा होने के लिए कंडेंसर से होकर गुजरती है। संघनित्र अर्थात कंडेंसर कांच की एक लंबी नली होती है जिसके चारों ओर एक अन्य चौड़ी नली होती है जिसमें जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है या किया जाता है। ठीक है, जल से ठंडी होकर बाष्प कंडेंसर नली में संघनित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस संघनित्र द्रव को संग्राहक में एकत्रित कर दिया जाता है। अभिलेय पदार्थ फ्लास्क में रह जाता है।
विभिन्न विधियों का संयोजन, कुछ पदार्थों के पृथक्करण हेतु कई विधियों का संयोजन करना पड़ता है, जैसे समुद्री जल से प्राप्त साधारण नमक का शुद्धिकरण विभिन्न विधियों के संयोजन द्वारा किया जाता है। इसे कूटकर जल में घोला जाता है, छाना जाता है, वाष्पित किया जाता है और तब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इस प्रकार हमें शुद्ध नमक प्राप्त होता है। कुछ निश्चित मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने की ये विधियाँ दी हुई हैं, इस पेज से लेकर नेक्स्ट पेज तक, तो आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट होता है, मतलब पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो अभ्यास है उसके में विकल्प, खाली स्थान, सही गलत और जोड़ियाँ आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, फिर अपन आगे की वीडियो में करेंगे। अभी अपन अभ्यास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला, आयोडीन तथा बालू के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा? निस्यंदन द्वारा, ठीक है, ब नंबर का। दूसरा है, चाय की पत्ती तथा लोहे की छीलन मिश्रण को पृथक करने की विधि है, कौन सी है? चुंबक द्वारा, ठीक है, चुंबक द्वारा पर दूसरे नंबर का। तीसरा है, सरसों के तेल व मिट्टी के तेल को के मिश्रण को पृथक करने की विधि कौन सी विधि होती है? पृथककारी कीप द्वारा, ठीक है, इसमें भी ब नंबर का ही आएगा। और चौथा है, एक ठोस पदार्थ को जल में घोला गया, उस ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो उसमें आएगा स नंबर का, बाष्पन विधि, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, सरसों के तेल तथा जल के मिश्रण की खालिस्तान के द्वारा पृथक किया जाता है, तो इसमें लिखेंगे अपन पृथककारी कीप द्वारा, ठीक है। दूसरा है, अमोनियम क्लोराइड को साधारण नमक से खालिस्तान के द्वारा पृथक किया जाता है, कौन सी विधि है? ऊर्ध्व पातन, ठीक है। तीसरा है, समुद्री जल से साधारण नमक खालिस्तान के द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा? बाष्पन, तीसरे खाली स्थान में लिखेंगे बाष्पन। चौथा खाली स्थान है, साधारण नमक से नेप्थेलीन के द्वारा पृथक किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि, इसमें भी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है, चावल के छिलकों को खालिस्तान के द्वारा अलग किया जाता है, ओसाना के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसमें सबसे नीचे छह नंबर पे सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो शरबत एक शुद्ध पदार्थ है, यह गलत है, ठीक है। दूसरा है, क्रिस्टलीकरण लवण एक अशुद्ध पदार्थ है, यह भी गलत है। तीसरा है, ओसाने की क्रिया का प्रयोग पत्थर के छोटे कणों को दूर करने के लिए किया जाता है, तो यह भी गलत है, ठीक है। चौथा है, किसी पदार्थ के शुद्ध नमूने में केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो यह आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं छह नंबर का, मिलान कीजिए, यानी जोड़ियां मिलाइए, इधर से उधर मिलाना है अपन को जोड़ियां। तो क्रिस्टलीकरण किसका होता है? गर्म संतृप्त विलयन का शीतलन, ठीक है। दूसरा है, वाष्पन व द्रव का वाष्प में परिवर्तन, ठीक है। तीसरा है, निथारना, तो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। चौथा है, ऊर्ध्वपातन, तो ठोस का वाष्प में परिवर्तन। और पांचवा है, आसवन विधि का है, वाष्प के बाद संघनन, ठीक है। इस तरह से आपके इस चैप्टर के खालिस्तान, विकल्प, सही गलत और जोड़ियां कंप्लीट हो गए। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं आपके, एक शब्द वाले, संक्षेप में और विस्तार वाले, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक आप अपनी कॉपी में इतना लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा और फर्स्ट लेसन कुछ लर्न करने की भी कोशिश कीजिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।